रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। इस बार रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव ऐतिहासिक होने वाला है। इसी कड़ी में शुक्रवार रात सीएम आवास पर अयोध्या दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष रिकॉर्ड दिए जलने से ये आयोजन वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपोत्सव में भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी, भरत मिलाप, श्री राम राज्याभिषेक प्रसंगों का प्रतीकात्मक चित्रण भी होगा। मुख्य समारोह से पहले पूरे अयोध्या जिले में स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दिवाली पर भव्य और दीप उत्सव समारोह में इस बार 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। ये एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। इसी के साथ मेगा लेजर शो का खास प्रदर्शन होने वाला है। पिछले साल अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए गए थे, तब राम की पैड़ी पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीप प्रज्वलित हुए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 17 लाख दिए जलाकर नए रिकॉर्ड के लिए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। राम की पैड़ी पर इस बार 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। बता दें कि तैयारियों की बात करें तो मुख्य समारोह में पहले पूरे अयोध्या जिले में स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अयोध्या में इस बार 17 लाख दिए जलाकर नए विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। रामनगरी में दीपोत्सव ऐतिहासिक होने वाला है। कल पीएम भी इस दीपोत्सव में शामिल होंगे। बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा कर बताया कि दिए जलने से आयोजन वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दीपोत्सव में भगवान श्री राम, अयोध्या वापसी, भरत मिलाप और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे अधिक जानकारी लेंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही है अयोध्या में इस वक्त। नंदनी, अगर बता दें तो अयोध्या जो है वो फिर एक बार सज के तैयार हो गई है और आज का दूसरा दीपोत्सव का दिन है और कल जो है 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करेंगे, रामलला में पहला दीपक जला करके और दीपोत्सव का आगाज करेंगे। तो अगर कुल मिलाकर के बात की जाएगी तो राम की पैड़ी पर ये 17 लाख दीपक जो है वो बिछा दिए गए हैं। बाकी वॉलंटियर्स जो हैं, अभी कुछ दीपक ऐसे बचे थे जिनको बिछाना बाकी रह गया था तो उनको भी बिछा रहे हैं। अगर बात की जाएगी सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरी तरीके से जिला प्रशासन जो चाक चौबंद है। बता दें कि रामकथा पार्क में अधिकारियों की डीजीपी के साथ में ब्रीफिंग चल रही है। एसपीजी के लोग हैं और जिला प्रशासन के लोग हैं और बाहर के आए हुए अधिकारी हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को कैसे चाक चौबंद किया जाए। बिल्कुल नंदनी, देखा जाए तो कल पीएम मोदी शामिल होंगे इस दीपोत्सव में, सीएम योगी तो साथ में रहेंगे और कौन कौन से लोग ऐसे लोग मौजूद रहेंगे वहां पर? देखिए, अगर बात की जाएगी कि तो सीएम मोदी और इनके बात की अगर बात की जाएगी तो सीएम रहेंगे, उसके बाद बाहर से भी कुछ मेहमान आ रहे हैं जिनको और जहाँ तक सूत्रों की अगर मानेंगे तो मोहन भागवत रहेंगे और राज्यपाल रहेंगी। तो ये कुल मिलाकर के और सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राघवेंद्र। ऐतिहासिक दीपोत्सव देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।